यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं गीता का अध्याय चार। अध्याय चार का जो नाम है वह है ज्ञान कर्म सन्यास योग। अब होता ऐसा है कि पहले अध्याय का नाम जो विषाद योग है वो अधिकतर लोगों को पता होता है, कर्म योग के बारे में भी लोगों को पता है। दूसरा जो सांख्य योग है उसके बारे में भी, जिसे प्रैक्टिकली ज्ञान योग भी लोग कहते हैं, उसके बारे में भी पता है। ये जो चौथा अध्याय है, यह जो अध्याय है उसका नाम है ज्ञान कर्म सन्यास योग। अब सबसे पहले यदि हम पहला श्लोक शुरू करें, उससे पहले इसको समझते हैं कि ज्ञान कर्म और सन्यास का योग कैसे किया। अब जैसे हम लोग ज्ञान की परिभाषा देखें तो ज्ञान का अर्थ होता है विद्या, बोध अथवा किसी चीज की प्राप्ति, या सिंपली जिसे हम प्योर नॉलेज कहते हैं। दूसरा जो है वो है कर्म। कर्म अर्थात कार्य करना, दिमाग से करो, मन से करो, या शारीरिक तौर पर जो भी आप काम करते हैं वह। और तीसरा है सन्यास। अब सन्यास हम ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति जंगलों में चला जाता है, दीक्षा ले लेता है, उसे हम सन्यास बोलते हैं। पर इस सन्यास शब्द का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। सन्यास की यदि हम संधि विच्छेद करें तो यह होता है सम प्लस न्यास। सम अर्थात समानता, और न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना, अर्थात समानता को जो स्थापित करता है उसे कहा जाता है सन्यास। मतलब इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप घर बार छोड़कर कहीं चले जाओ, जिसे हम प्रैक्टिकली या इन जनरल केस सन्यास कहते हैं। नहीं, सन्यास का अर्थ होता है जो हर चीज में समानता को स्थापित करता है। चलिए अब इस अध्याय के नाम का पूरा अर्थ जानते हैं। नाम जैसे मैंने पहले बताया, ज्ञान कर्म सन्यास योग। योग मतलब जुड़ना। ज्ञान अर्थात बोध, प्रज्ञा की प्राप्ति। कर्म अर्थात कार्यों से, कार्यों में समानता रख के। सन्यास का अर्थ क्या है? समानता स्थापित करना, अर्थात जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आप समानता स्थापित करने का बोध यदि आप में विकसित हो जाता है तो उसे कहा जाता है ज्ञान कर्म सन्यास योग। अब आज हम पहला श्लोक अध्याय चार का देखेंगे, जिसमें ईश्वर स्वयं जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से नग्न सत्य है। तो आइए देखते हैं श्लोक। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब हमें ये लगेगा कि कृष्ण अभी आए हैं और सूर्य तो बहुत पहले से हैं, और वैवस्वत मनु भी बहुत पहले हो गए, इक्ष्वाकु भी बहुत पहले हो गए, वे तो राम से भी पुराने हैं। कृष्ण को तो आए आए करीब 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 5,500 से थोड़े ज़्यादा साल हुए हैं, तो हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। पर ये चीज़ ऐसी है जो पूरी तरह से सत्य है। ये कैसा है? जैसे कोई फूल यदि खिलता है तो फूल खिल रहा है, फूल को नहीं पता उसके आगे क्या हुआ है, उसके पीछे क्या हुआ है। उसे तो ऐसा लगा है कि मैं अभी अभी खिला हूँ। अगर वो कहे कि खिलना कुछ ऐसा होता है तो वो पूरी तरह से सत्य कह रहा है। इसी तरह से ईश्वर भी पूरी तरह से सत्य इसी बात से कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु और उसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था। सत्य जो है ना, वो जानने वाले बहुत सारे होते हैं पर सत्य एक ही होता है। जैसे हम सूर्य का प्रकाश देख लेते हैं तो प्रकाश की अनुभूति हम सभी को होती है, पर हर किसी को उसकी अनुभूति अलग अलग तरह से होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है। विवस्वत, विवस्वत का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकाशमान है। गीता जिसका ज्ञान जो है वो अनंत काल से चलता आ रहा है,
ज्ञान एक ऐसी चीज होती है जिस जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। आपको पता है हमने घड़ियां बनाई है क्योंकि हम कहते हैं समय जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, कहते हैं ना ओरिजिनली समय तो वही रहता है, समय ना आता है ना जाता है। शायद आपको महाभारत का वो सीरियल याद है ना, स्टार्टिंग में कहते हैं मैं समय हूँ, मैं यही होता हूँ, मेरे आगे पीछे चीजें घूमती रहती है पर मैं सभी का साक्षी रहता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से समय है वो स्थिर है पर हम कहीं बीत रहे होते हैं, हम एज्ड हो रहे होते हैं, चीजों की एज हो रही होती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि समय बीत रहा है। ओरिजिनली समय पहले भी था, समय अभी भी है और बाद में भी रहेगा। एक बहुत अच्छा शब्द है संस्कृत में समय के बारे में और उस शब्द को कहा जाता है काल। काल कभी नहीं बीतता, काल एज इट इज रहता है। हम बीत जाते हैं, फिर नए तरह से नए लोग आते हैं और वो भी बीत जाते हैं पर समय वहीं का वहीं रहता है। परेशानी यहाँ पर ये आती है कि हम लोगों में जो ईगो है, जो अहंकार है, वो इस चीज को मानने के लिए अपने आप को कैपेबल नहीं समझता। वो ये समझता है कि अरे मैं कैसे बीत सकता हूँ, मैं तो यही हूँ, टाइम बीत रहा है। इसीलिए हमने हमारी सहूलियत के लिए घड़ियां बना दी, घड़ियों में हमें टाइम बीता जा रहा है वो दिखता रहता है, ओरिजिनली समय वही रहता है, बीत तो हम जाते हैं। सूर्य जो पृथ्वी के शुरू होने से पहले भी था, तब ईश्वर ने उन्हें यह जो ज्ञान है ना वो बताया था। कौन सा ज्ञान? ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात चीजों को समान भाव से देखना, उसी तरह से कर्म करना और ऐसा कर्म करने का अपने आप में बोध जागृत करना। जैसे यदि मैं अपने बच्चे को खाना खिला रही हूँ या उसके पास बैठ के पढ़ा रही हूँ तो मैं अवश्य ये चाहूंगी कि वो भोजन अच्छे से ले, वो तंदुरुस्त रहे और वह जो भी पढ़ाई करता है वो अच्छे से करे। पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मैंने इसके पीछे जो काम किया है तो वह उसका मुझे बदला देना चाहिए। अगर मैं ये चाहती हूँ किसी बदले की भावना से तो वो ठीक नहीं रहेगा। सिमिलरली भगवत गीता को पढ़ना और जो भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ उसके पीछे भी यही आशय है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट जो श्लोक है वह आने वाले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो, मेरी बात करने का तरीका, मैं जैसे समझाती हूँ वह पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आगे भी तीनों अध्यायों का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, आप जरूर उसे चेक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एज यूजुअल अपने बच्चों को गीता का एकाध श्लोक ही सिखा दीजिए जिससे उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जिस मोड़ का संधान अर्थात जो मोड़ ईश्वर के हाथ में रहेगा। तो आप भगवद गीता अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। धन्यवाद।